गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज हम लोग हमारा परिवेश के पाठ 3 हमारा भोजन को पढ़ेंगे और इसके बारे में समझेंगे। बच्चों इस पाठ को पढ़ने के बाद आप संतुलित आहार के बारे में जान पाएंगे और समझ पाएंगे। बच्चों हम कई प्रकार का कार्य करते हैं और कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। बच्चों आइए हम लोग संतुलित आहार के बारे में समझें। वह भोजन जिसमें ऊर्जा देने वाले पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, वसा, शरीर की वृद्धि करने वाले पदार्थ प्रोटीन तथा रोगों की सुरक्षा करने वाले पदार्थ विटामिन और खनिज लवण संतुलित मात्रा में होते हैं, उन्हें संतुलित भोजन कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। बच्चों भोजन के स्रोत, भोजन पेड़ पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन अनाज, गेहूं, चना, अरहर, टमाटर, लौकी। जंतुओं से प्राप्त भोजन अंडा, दूध, मांस, मछली। बच्चों आइए अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। पौधों से प्राप्त होने वाले 4 भोज्य पदार्थ को लिखिए। जंतुओं से प्राप्त होने वाले 4 भोज्य पदार्थ को लिखिए। थैंक यू बच्चों। बाय बाय बच्चों।